तो गाइज इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट 32 इंच स्मार्ट टीवीज के बारे में जो कि इंडियन मार्केट में अवेलेबल है। एंड गाइज हमने इन सभी टीवीज के सिलेक्शन की एक मिनिमम रिक्वायरमेंट रखी है। जो भी टीवीज उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है सिर्फ वही इंक्लूड किए गए हैं इस लिस्ट में। जैसा कि इन सभी टीवीज में एटलीस्ट 20 वैट्स के स्पीकर्स होने चाहिए, 1 GB ऑफ रैम एंड 8 GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज मेमोरी होनी चाहिए एंड ये सभी टीवीज होंगे HD रेडी रेजोल्यूशन के साथ एंड इन सभी का प्राइस होगा अंडर 15,000 रुपीज। मिनिमम 60 Hz का रिफ्रेश रेट, वाईफाई एंड ब्लूटूथ, ये सभी चीजें होनी चाहिए। एंड ऑल्सो गाइज इन टीवीज की बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो आप वहां से जाके टीवीज की लेटेस्ट प्राइस एंड ऑफर्स को चेक कर सकते हैं। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज फिफ्थ नंबर पे हमारी लिस्ट में है सैमसंग का टीवी। सैमसंग का ये टीवी लेटेस्ट 2020 सीरीज का टीवी है जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुई थी। ये आता है HD रेडी 1366x768 pixels की रेजोल्यूशन के साथ। इसमें VA पैनल यूज किया गया है एंड गाइस इस टीवी की रैम एंड स्टोरेज के कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन गाइस अगर हम यही कंसीडर करें कि सैमसंग के बाकी 32 इंच टीवीज जितनी ही रैम एंड स्टोरेज है इस टीवी में भी, तो इसमें हमें 1 GB ऑफ रैम एंड 4 GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज मेमोरी मिलेगी। ये आता है 60 Hz के रिफ्रेश रेट के साथ एंड इसमें 20 W के स्पीकर्स भी दिए गए हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें Tizen OS यूज किया गया है जो कि सैमसंग का ही खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है। Tizen OS होने की वजह से इसमें सभी मेन OTT एप्स तो चलेंगी, लाइक प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, ये सभी चलती हैं। लेकिन ये एंड्रॉयड टीवी नहीं है तो इसमें एंड्रॉयड की बाकी एप्स नहीं चलती एंड ऑल्सो इसमें सैमसंग का ही एप स्टोर अवेलेबल है। लेकिन इस टीवी में एक स्पेशल फीचर है, दैट इज कि इसमें 3 वॉइस असिस्टेंट्स की सपोर्ट है, बिक्सबी, गूगल असिस्टेंट एंड अलेक्सा। कनेक्टिविटी ऑप्शंस के लिए इस टीवी में हमें 2 HDMI, 1 USB, 1 ईथरनेट एंड 1 AV पोर्ट अवेलेबल मिलती है। वहीं बात करें इस टीवी के रिमोट की, तो इसके रिमोट में हमें नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, वॉइस असिस्टेंट्स, इन सभी की हॉटकीज अवेलेबल हैं। सो गाइज अगर आपको स्मार्ट टीवी के ज्यादा फीचर्स यूज नहीं करने एंड आपको मेन OTT एप्स यूज करनी है तो आपके लिए ये टीवी बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रहेगा। फोर्थ नंबर पे हमारी लिस्ट में है OnePlus के Y सीरीज का 32 इंच टीवी। ये भी आता है 1366x768 HD रेडी रेजोल्यूशन के साथ। इसमें भी VA पैनल है एंड इसमें 1 GB ऑफ रैम एंड 8 GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज मेमोरी दी गई है। 60 Hz रिफ्रेश रेट, एंड्रॉइड 9.0 के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, 20 W के स्पीकर्स एंड गाइस 20 W के स्पीकर्स होने की वजह से बाकी मोस्ट ऑफ दी टीवीज के जैसी ही साउंड आउटपुट इस टीवी में अवेलेबल मिलती है। लेकिन इसकी वीडियो क्वालिटी काफी बढ़िया है बिकॉज ऑफ द DCI-P 93% जो कि और किसी भी टीवी में अवेलेबल नहीं है। इस टीवी में सभी OTT एप्स चलती हैं। वहीं बात की जाए इस टीवी के कनेक्टिविटी ऑप्शंस की, तो इस टीवी में गूगल असिस्टेंट, क्रोमकास्ट बिल्ट इन, 2 HDMI, 2 USB, 1 ईथरनेट, 1 AV इनपुट एंड बाकी सभी नेसेसरी पोर्ट्स अवेलेबल हैं। लेकिन इसमें हेडफोन जैक नहीं है। इसके रिमोट में हमें नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, प्राइम वीडियो एंड गूगल असिस्टेंट की हॉटकीज मिलती हैं। लेकिन गाइस ये टीवी सही में एक स्मार्ट टीवी है बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन प्ले, वन कनेक्ट ऐप एंड शेयर्ड एल्बम फीचर। ऑक्सीजन प्ले जो कि सभी OTT प्लेटफॉर्म्स का एग्रीगेटेड कंटेंट दिखाता है सिर्फ एक ही ऐप में, एंड OnePlus कनेक्ट ऐप से आप इस टीवी को अपने फोन से ही यूज कर पाएंगे, उसको ऑन भी कर पाएंगे, ऑफ भी कर पाएंगे, स्क्रॉल अप एंड डाउन या फिर आपने कुछ सर्च करना हो टाइप करके वो भी आप अपने फोन से ही कर पाएंगे। बट गाइज इसके जो भी एडिशनल स्मार्ट फीचर्स हैं वो इतने ज्यादा स्मूथ नहीं चलते जितने चलने चाहिए। एंड इस टीवी की प्राइस है 12,999 यानी कि 13,000 रुपए। एंड थर्ड नंबर पे हमारी लिस्ट में है रियलमी का 32 इंच स्मार्ट टीवी। ये भी आता है 1366768 HD रेडी रेजोल्यूशन के साथ। इसमें भी VA पैनल यूज किया गया है, 1 GB ऑफ रैम एंड 8 GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज मेमोरी भी अवेलेबल मिलेगी, 60 Hz का रिफ्रेश रेट एंड इसके स्पीकर्स की जो कंबाइंड आउटपुट है दैट इज 24 W, यानी कि इसकी साउंड क्वालिटी काफी बढ़िया रहेगी। ये आता है एंड्रॉइड 9.0 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। सभी OTT एप्स चलती हैं। कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात करें, क्रोमकास्ट, गूगल असिस्टेंट, 3 HDMI, 2 USB, 1 AV, 1 LAN एंड हेडफोन जैक, ये सभी कनेक्टिविटी ऑप्शंस अवेलेबल मिलेंगे। एंड इसके रिमोट में नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, यूट्यूब, गूगल असिस्टेंट, ये सभी हॉटकीज भी अवेलेबल हैं। गाइस इस टीवी की ऑडियो क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है लेकिन इसके व्यूइंग एंगल्स इतने ज्यादा बढ़िया नहीं है एज कम्पेयर टू MiTV एंड VU सिनेमा टीवी। एंड इसकी प्राइस भी है 12,999 यानी कि 13,000 रुपए। एंड गाइस सेकंड नंबर पे हमारी लिस्ट में है Xiaomi का Mi TV 4A Pro। ये टीवी आता है 1366x768 pixels HD रेडी रेजोल्यूशन के साथ एंड इसमें IPS पैनल यूज किया गया है, रैम है 1 GB की एंड स्टोरेज मेमोरी है 8 GB की, 60 Hz के रिफ्रेश रेट के साथ, 20 W के स्पीकर्स एंड एंड्रॉइड 9.0 आउट ऑफ द बॉक्स।
कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात करें तो इसमें 3 HDMI, 2 USB, 1 ईथरनेट, हेडफोन जैक, AV, गूगल असिस्टेंट, क्रोमकास्ट बिल्ट इन, ये सभी ऑप्शंस मिलेंगे। एंड इसके रिमोट में भी नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो एंड गूगल असिस्टेंट की हॉटकीज अवेलेबल हैं। गाइज, इसकी डिस्प्ले क्वालिटी काफी ज्यादा बढ़िया है एंड कंबाइनिंग विद पैच वॉल इंटरफेस इसका यूजर एक्सपीरियंस भी बहुत ही बेहतर बन जाता है। एंड ये टीवी आपको एक बहुत ही यूजर फ्रेंडली एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाता है। मी टीवी 4A 32 इंच टीवी की प्राइस है 12,500 रुपीज, यानी के 12,500 रुपए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नंबर 1 टीवी ऑफ आवर लिस्ट। नंबर 1 पे हमारी लिस्ट में है वीयू सिनेमा टीवी। एंड गाइस, जिनको नहीं पता, वीयू कम्प्लीटली नॉन चाइनीज ब्रांड है, यूएसए बेस्ड कंपनी है एंड फाउंडेड बाय एन इंडियन। ये भी आता है HD रेडी 1366x768 पिक्सल्स रेजोल्यूशन के साथ। इसमें भी IPS पैनल यूज किया गया है, 1GB ऑफ रैम एंड 8GB की इंटरनल स्टोरेज मिलेगी 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ। लेकिन इस टीवी का जो मेन फीचर है, दैट इज साउंड आउटपुट। इसमें हमें 40 वैट्स की बिल्ट इन साउंड बार दी गई है। तो अगर आप इस टीवी को किसी बड़े हॉल में भी रखते हैं तो भी आपको साउंड को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये भी आता है एंड्रॉइड 9.0 आउट ऑफ द बॉक्स। एंड कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात करें तो इसमें गूगल असिस्टेंट, क्रोमकास्ट बिल्ट इन, 2 HDMI, 1 USB, ईयरफोन जैक, डिजिटल ऑडियो आउटपुट, RF, AV, ईथरनेट पोर्ट्स, ये सभी पोर्ट्स अवेलेबल मिलती हैं। अलॉन्ग विद दैट इसके व्यूइंग एंगल्स एंड पिक्चर क्वालिटी भी काफ़ी सही है। एंड इसके रिमोट में नेटफ्लिक्स, Amazon Prime, YouTube, Google असिस्टेंट, ये सभी हॉटकीज भी अवेलेबल हैं। एंड गाइज, इस टीवी का प्राइस है 13,500 रुपये। नाउ द क्वेश्चन इज, आपको कौन सा बाय करना चाहिए? गाइज, ये चीज़ कम्प्लीटली यूजर टू यूजर डिपेंड करती है, लाइक आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही टीवी को परचेज करना चाहिए। आपको टीवी की कैसी लुक चाहिए, आपकी प्रेफरेंस साउंड को लेकर है या फिर डिस्प्ले को लेकर है। अगर आपके लिए साउंड बहुत ही ज्यादा मैटर करती है एंड आपको फ्रंट पे साउंड बार की लुक पसंद है तो यू शुड गो विद वीयू सिनेमा टीवी। एंड अगर आपको बहुत ही स्लिम डिजाइन्स पसंद है तो आप MI टीवी के साथ जा सकते हैं या फिर रियलमी एंड OnePlus। आप किसी भी टीवी को चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। गाइज, आई जस्ट वॉन्ट टू हाईलाइट वन थिंग हियर कि स्पेक्स वाइज इन सभी टीवीज में कुछ भी मेजर डिफरेंस नहीं है। एंड गाइज, अगर आप इन टीवीज में से किसी भी टीवी को यूज करते हैं, डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स कि आपका टीवी को लेकर क्या एक्सपीरियंस है। एंड ऑल्सो गाइज, इन सभी टीवीज की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां से जाके टीवीज को चेक कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आपको इन पांचों टीवीज में से कौन सा टीवी सबसे ज्यादा पसंद आया, डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स। एंड वीडियो को लेकर अगर आपके कोई भी थॉट्स हैं, कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स, मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो के बारे में आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल।